But if you close your eyes. दोस्तों कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की फाइनल ईयर एग्जाम्स की? बीकॉम फाइनल ईयर एग्जाम बीकॉम पास वालों के 28 में से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही है मेरे पास कि सर कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सर कौन से जो मोस्टली जो क्वेरीज आती है किसकी आती है, प्रैक्टिकल सिलेक्ट्स की आती है, जैसे पोस्ट अकाउंटिंग होगी, एफएम होगी, सर कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी रिवीजन हमारी हो जाए, कैसे एग्जाम में उसको हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जो क्वेरीज उसको वीडियो बना के डाला जाए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं प्रीतम राठी आया हूँ आप लोगों के लिए, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपको डिस्कस करने के लिए आपके साथ। दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का फर्स्ट एग्जाम आपको 28 मई को ही वो है पोस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो पोस्ट अकाउंटिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है उसके अंदर, बस एक लिमिटेशन क्या है उसकी भी कि टॉपिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में कौन से टॉपिक जो 100% एग्जाम में आते हैं हमें अटेम्प्ट करने चाहिए? तो सबसे पहले जो आता है 100% एग्जाम में आता है वो है मशीनरी आवर रेट, बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो उसे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग, ठीक है, वो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अटेम्प्ट करो, बहुत स्कोरिंग है वो भी, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है आपका प्रोसेस पोस्टिंग, ठीक है, प्रोसेस पोस्टिंग भी उसमें मैक्सिमम 2 या 3 प्रोसेस तक का क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक अगर आपने 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे तो बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट आता है, कौन सा आता है, रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी पोस्ट सीट प्लस आपका जो आपने पहले फाइनल अकाउंट पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है कि रिकंसाइल कैसे करना है, ठीक है, बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है ये भी। एक हाँ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग है वो है बजट, वैसे तो बजट बहुत बड़ा है आपके में लेकिन जो एग्जाम में 100% जो आता है वो आता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। अभी तक आप पिछले साल के पेपर देखो तो 2007 के बाद से मे भी आपके हर एग्जाम में फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन मिलेगा और इतना इजी क्वेश्चन आता है, अराउंड कई बार 8 मार्क्स का 15 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अच्छा इसके बाद और कौन सा टॉपिक आ सकता है आपका, इसके अलावा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड लिफो फिफो वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, ये सारे मेथड हो गए। तो इस वाले मेथड में क्या होगा कि इसमें से किसी भी 2-3 टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि लिफो फिफो आ गया तो आपको ईओक्यू भी आएगा, या तो ईओक्यू और मैक्सिमम लेवल वाला क्वेश्चन आएगा या फिर लिफो फिफो वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इनमें से कोई चॉइस आएगी। अच्छा इसके बाद जो एक टॉपिक रह गया पीवी रेशियो, कौन सा रह गया, पीवी रेशियो, जिसमें पीवी रेशियो पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है, ईवीटी एनालिसिस पूछता है, तो ये थोड़ा सा जो विदाउट मेथड स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा वैल्यू एक्स एज्यूम करना पड़ता है, एक वैल्यू इधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में भी सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना और इसकी रिविजन भी सबसे लास्ट में करना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका पोस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे कुछ लोगों के पास चॉइस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये कुछ लोग इसकी जगह मार्केटिंग ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग इसके लिए एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो चूज करते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्ट करा है तो उनके लिए बता रहा हूँ कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है और कौन से उनको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो कैपिटल बजटिंग, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और पूरा एफएमएटिक्स में कवर हो जाता है आपका, ठीक है, जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे टॉपिक आते हैं। हाँ पे बैक पीरियड मेथड, ये सारे मेथड आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा स्कोरिंग चैप्टर यही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है आपका सेकंड टॉपिक आपका होता है एमएम जो होता है वोल्टर्स मॉडल एमएम अप्रोच जो होता है जो डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो आता है आपका, ठीक है, वो अलावा उसमें कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, सिंपल से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट फॉर्मुला बेस्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा लिवरेज एनालिसिस होता है, ठीक है, तो लिवरेज एनालिसिस करो, बहुत ज्यादा स्कोरिंग और सबसे इजी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता है लिवरेज एनालिसिस, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, डिविडेंड डिसीजन बता दो, अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इसमें कितना कैपिटल लगती है, कितना कॉस्ट क्या है, रिटर्न ज्यादा है, कितना पे ऑफ करना रेशियो, ये सब होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ईबीटी ईबीआई एनालिसिस होता है, ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ फर्म, ये सब चीजें होती है, ओके। इसके अलावा आपके एफएम में इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा हो सकता है इसका, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग का मतलब हर साल या फिर एक एक साल के गैप पे क्वेश्चन 100% आता है वर्किंग कैपिटल वाला, ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइंड करो, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वगैरह का उसमें डेज का कॉन्सेप्ट होता है, वो सिंपली अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका।
तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बचते हैं, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का एक ही कॉन्सेप्ट अटेंड करने का कि भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के सारे पेपर आपको पॉइंट्स में अटेंड करने हैं, बिना पॉइंट के कोई भी आंसर नहीं लिखना। अगर आपने बिना पॉइंट के आपने आंसर लिखा तो टीचर कभी भी उसको अच्छे से चेक नहीं करता, पैराग्राफ आपके फॉर्म में लिखोगे। आपको हमेशा आंसर पॉइंट में अंडरलाइन करके, एक पॉइंट है, दो है, तीन है, चार है, अगर पॉइंट नहीं है तो उसको अपने नोट्स इस तरीके से बनाओ उसके पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स डाल के अंडरस्कोर लाइन अंडरलाइन करके उसको नोट करो पूरा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो हाई सबसे जो बैक आती है वो आपको ईको में आती है, और ईको क्या होती है फाइनल ईयर में आके ईको सबसे ईजी हो जाती है, क्योंकि उसमें ना तो आपका डायग्राम है ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ओनली प्योर थ्योरी कुछ डाटा। हाँ, कई लोग उससे डाटा बहुत ज्यादा दे रखा है, उसके अंदर ईयर्स दे रखे हैं, इतनी परसेंटेज ग्रोथ हुई, ये हुई, क्या याद करना है, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक आधा पॉइंट्स याद करो जो आपके आंसर के लिए रेलेवेंट लगे, आपको खाली वही पॉइंट्स याद करने हैं। बाकी इंग्लिश और हिंदी में आपकी चॉइस होती है, तो उसमें से हिंदी जिसे लिए उसके इंटरेस्ट वो हिंदी देगा, आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। जिसका इंटरेस्ट इंग्लिश में है वो इंग्लिश आराम से कर लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तक उसने ऑप्ट किया होगा। एक लास्ट सब्जेक्ट जो बढ़ता है आपका वो बचता है आपका कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कुछ एक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो उसमें थ्योरी प्लस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट तो कंप्यूटर का है, नॉर्मल सबको आज की डेट में कंप्यूटर यूज करना आती है, उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो अभी तक मैं बात करता हूँ तो मेरे 100 स्टूडेंट्स में से ओनली 10% स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आता है। आता ही नहीं सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो अगर मेरे पास टाइम बचाना, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डालूंगा जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो बताऊंगा। वो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। अगर टाइम बचा तो जरूर एक वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो सीक्रेट डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ईयर का हो गया, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। SOL है, आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी होगी मैं मानता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली वीडियो आएगी, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आपका सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, ये सारी चीजें लेके आएंगे, ठीक है। हम सेकंड वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, ओके। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को बजाए बिना आप जा ही नहीं सकते, इतनी रेलेवेंट वीडियो है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कोई नेक्स्ट टॉपिक आपसे रिलेटेड है कि हम चाहते हैं सर ये वाला टॉपिक बनाए, तो उसे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू डालिए, वहां से हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए।